हेलो एंड राम राम सभी को, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मेहंदी से, क्योंकि सावन का सीज़न है। ये वाला वीडियो में पहले वाले वीडियो में डालना भूल गई थी। एक्चुअली ये कल का ही वीडियो है। हम लोग घूम फिर के आने के बाद में रात को मैंने मुन्ना दी के हाथ पे मेहंदी लगाया था। इतना सुंदर मेहंदी हुआ तो मैंने सोचा आपको मैं दिखाऊँ। एक्चुअली मुझे भी लगाने को मन था लेकिन बहुत लेट हो गया था ना, तो मैंने मुन्ना दी के हाथ में लगा दिया एंड मैंने छोड़ दिया ऐसे हो गए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मेरी चल रही है आज की लास्ट मालिश, मतलब कल तपन एंड मुन्ना दी चले जाएंगे तो मेरा लास्ट मालिश है। ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि देखो मेरा पति मेरा पाउच होता है, बस इसलिए दिखा रही हूँ कि पार्टनर में ये सब चलता है। एंड मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि अद्दू जितने दिन भी तपन ने मेरा मालिश करना वो साथ ही साथ बाबा के साथ साथ किया, तो बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। एंड यहाँ पे अद्दू का भी हाथ में मैंने डायनासोर बना दिया था, उसको बहुत मन था मेहंदी। जैसे मैं मुन्ना को लगाई थी वो बोला था मुझे भी डायनासोर बना दो, तो ये उसका डायनासोर है। एंड देखो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, मुन्ना दी का जो मेहंदी का कलर बहुत सुंदर सा लगा है, कल और डार्क होगा। एंड अभी मुन्ना दी लोग जाने के लिए रेडी है, सुबह सुबह आँख वाँख फुल फुल के बाय बाय कर रही है। एंड यहाँ पर तपन अद्विक बाय बाय मोमेंट चला। इस बार मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि एक तो मैं पूरा फिट एंड फाइन नहीं हुई थी एंड इस बार अपन बहुत दिन बैठ के हम लोग के साथ गए थे, दिखाती नहीं हूँ लेकिन हाँ इस बार थोड़ा ज़्यादा ख़राब लग रहा था। समर वेकेशन भी ख़त्म, बच्चों का स्कूल भी अब खुल जाएगा तो अच्छा था। जितने दिन भी डीलो थे हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, घुमा फिरा। मैं सोच रही थी इस बार इन लोग जाने के बाद कुछ दिन रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे पैर में सच में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था एंड बहुत पेन भी होता, लेकिन दादा नहीं माना क्योंकि आज है रियांस का बर्थडे, वो शाम को हमको लेने आ गया। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। देखो कितना सुंदर मौसम है यहाँ पर, हम लोग ने ले लिया है केक, तो अभी जा रही हूँ माइका एंड अद्विक एंड जलेबी है साथ में, हम सब जा रहे हैं दादा के साथ गाना वाना बजा के गा पी के गावा के। तो यहाँ हम पहुँच गए अपने गांव, धान वान लगाना शुरू हो गया है, ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है अभी खेतों में, तो पहुँच गए गांव। एंड अद्विक यहाँ पे लॉलीपॉप खा खा के मुझे दिखा रहा है कि देखो माँ कैमरा में दिखाओ कि मैं लॉलीपॉप खा रहा हूँ। तो ये तो ऐसा ही है, इसका मामा ने इसको ये जो बोलते हैं वो दे देते हैं। तो हम पहुँच गए घर एंड पहुँचते ही देखा कि धमाधम पूरा बर्थडे का प्रिपरेशन चल रहा था। वो जो आपको कुक दिख रहा है वो मेरा बड़े मम्मी का बेटा है, राम दादा भैया है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। इसको लोग बुला बुला के भी लेके जाते हैं खाना बनाने में। एंड बच्चे पार्टी भी यहाँ आलू वालू खेलने में हेल्प करते हैं, मतलब हम लोग सब घर के ही मिल माल के खाना वाना पीछे तरफ में बना रहे थे। जैसे ही बच्चे लोग थोड़े फ्री हुए तो उनको मैंने अंदर बुलाया कि चलो डेकोरेशन करने में, क्योंकि मेरा एक हाथ तो काम होता नहीं है प्लस पैर में भी थोड़ा पेन था। तो बच्चों ने ही इस बार आर्यांस का बर्थडे का डेकोरेशन किया, बहुत अच्छा किया सच बोलूँगी। इन लोग ने टीम वर्क इनका बहुत अच्छा था एंड अद्दू भी बहुत दोस्तों को दीदियों को सबको मिल के बहुत एक्साइटेड हो गया था। उधर डेकोरेशन ख़त्म करके जैसे ही पीछे आई तो बाकी भाभियाँ दीदी भी आके पूरी में लग गए थे। अभी ये लास्ट है हमारा पूरी, बाकी सब बन के रेडी है। सावन चल रहा है तो पूरा वेज आइटम रखा था लेकिन बहुत टेस्टी बना था। मैं खाना का वीडियो नहीं ले पाई प्रॉपर, लेकिन अभी बता रही हूँ एडिट करते हो, बहुत अच्छा खाना बना था, एकदम बच्चों लोग के लिए भी अच्छा था। एक में थोड़ा सा स्पाइसी था, एकदम भी प्लेन था, मतलब टेस्ट वाइज सब कुछ परफेक्ट था, सब लोग ने बहुत अच्छे से खाया तो वही था। और दादा एक साथ में 4-5 पूरी डाल के बना रहे, तो इधर पूरी बनते बनते टाइम भी बहुत हो गया था, गाँव में इतना लेट नहीं करते लेकिन हम लोगों तो 7:30 हो ही गया था। तो यहाँ पे केक काटने के लिए सब लोग रेडी हैं एंड अद्विक तो और भी ज़्यादा रेडी है, उसको लग रहा है कि वही काटेगा। तो डोरेमोन का केक ऑर्डर किया था हमने ऑन रियांस डिमांड, तो बस अब केक कटिंग करेंगे हम लोग। गाँव में ना एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोग खुद से समझ समझ के अपना जगह ले लेते हैं। देखो लाइन से सब बच्चे खुद ब खुद बैठ गए, ऊपर में अभी बड़े लोग को देंगे। एंड अद्विक भी देखो जाके दोनों दीदी के बीच में बैठ गया, सब कुछ उसने लिया जो जो सब लोग बाकी लोग रहे थे एंड अच्छे से दो पूरी उसने ख़त्म कर दिया। मैं बहुत खुश थी एंड मेरा डिपार्टमेंट था केक को कट करके रेडी करके रखने का, प्लेट में लगाने का। एंड यहाँ पर बड़े लोग जो है पहले एक एक करके हम लोग जितना हो रहा था, मतलब 6-7 करके ऊपर में सब लोग बड़े लोग खा रहे थे। एंड बस ऐसा ही था आज का बर्थडे। यहाँ अद्विक डांस कर रहा है, अब डांस इंजॉय कर। गुड
मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को और वीडियो करना नहीं हुआ। अद्विक ने इतना नाचा, 3 घंटा तो वो पूरा नाचा। रात भर जब जब उसका नींद उड़ रहा था वो रो रहा था, उसका पाँव दुख रहा था। रात को मालिश कर करके मैंने उसको सुलाया है। एंड सुबह उठते ही हम लोग गए गौ माता के यहाँ पे आ गए हैं, ग्वाली घर में आए हैं। सब बच्चे बच्चे हम सब पीछे तरफ में बैठ बैठ के चाय पी रहे थे। एंड मैं इनका वीडियो करी थी। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट गाय है वो नया है हम लोग के घर पर। इतने बड़े बड़े गाय मुझे तो कसम से बहुत डर लगता है, पता नहीं ये बच्चे लोग कैसे उनके पास जाते हैं। अद्विक भी नहीं डरता है। एंड वही है, सुबह की शुरुआत हुई है गैया मैया से। आज का दिन इतना शुभ था मुझे नहीं पता। इधर गैया मैया का सुबह सुबह दर्शन हो गया एंड गणपति पापा गेट पे आ गए। लेकिन आज एक नया चीज़ बहुत पता चला कि हाथी को देख के गाय जो डरते हैं, मतलब हम लोग का एक लोकल गाय भी है वो उसको फ्रंट साइड में पापा ने बांध के रखा हुआ था। एंड जैसे हाथी को देखा ना वो ऐसा कहता कि मतलब वो रस्सी तोड़ के भाग जाएगा, ऐसा कहता, इतना उछल कूद करा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने वो देखा कि गाय लोग कितना डरते हैं हाथी से। तो यहाँ पर भाभी नस्पति खिला रही है, घर पर था फ्रोज तो वही खिलाया। एंड जो ऊपर अंकल है जो हाथी को लेके आए थे, उन्होंने बोला कि वो बहुत सुबह ही निकले हैं तो उनको पानी वानी पिलाया, शरबत पिलाया। एंड कल का पूरी था तो उनको पूरी वूरी भी पैक करके दिया। एंड साथ में भी खाए भी वो। हाथी से नीचे नहीं नामे, उन्होंने बोला कि नामने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ऊपर में बैठ के सब कुछ कर लूँगा। तो वही हम लोग ने उनको भी थोड़ा खिला पिला के भेजा। अच्छा लगता है वैसे तो सेवा करने के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन घर पे अगर मौका मिलता है तो वो तो और भी अच्छा लगता है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे एलिफेंट को देख के, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सो हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं अपने घर। यही था अभी तक का व्लॉग, ये रियांस का बर्थडे का व्लॉग। आज के दिन मैं रुक गई, दादा तो बोला था रात को भी रुकने के, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे जाना है, क्योंकि ना आज रुकेंगे कल भी वैसे बोलेंगे, परसों भी वैसे, उन लोग ऐसे ही करते। हाय बोला दू से हाय बीच का दांत दिखाओ एक बस मैं प्लीज भैया जी तो यही था आए बर्थडे। बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। खाना पीना बहुत अच्छा था, वेज था पूरा, लेकिन बहुत अच्छा था, टेस्टी था। मेरे भैया ने बनाया था, मतलब रामदा ने बनाया था। वाह, अंदर ही घुस गया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो मम्मी नहीं है तो घर बहुत ही खाली खाली है। हाँ ये लोग मुझे बात करने देंगे। हाँ हाँ, फ्राई व्राई मत करो, नॉर्मल इन लोगों को जैसे बनाया, बस उसमें प्याज और वो डालो, मिर्चा डालो। जा अली अली झोल 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 ही रखो, खत्म खाए रहे चीज। ओ थैंक यू, मेरे वीडियो आने चाह। सो दिस इज़ द ऑर्गेनिक ग्वावा, इतना टेस्टी है इनके घर पे। इसे घर का है बहुत मीठा है। आज दिन भर में 3 है, कल पोटी पर टाइट हो जाएगा तो मुझे नहीं पता। ऑर्गेनिक हवा तो मैं ये बोल रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन मम्मी नहीं है, मम्मी अरुणाचल गई हुई है। तो उनका जो खालीपन था वो घर पे, जितने लोग भी आ रहे थे सब लोग बोल रहे थे कि मम्मी नहीं है तो कुछ मिसिंग मिसिंग खाली खाली लग रहा है। तो वही होता ना घर में, जब मेन लोग मेन औरत नहीं होती है तो ऐसा ही होता है। तो चलिए ये वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। जूली को बोला है मैगी बनाने के लिए, तो अभी हम लोग खाएंगे मैगी, फिर दादा भी अपना काम वाम ख़त्म करके मुझे छोड़ने के लिए जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। नहीं जानते।